What's up guys, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. आप सभी लोगों का स्वागत है Wi-Fi Study में. आज हम लोग आ गए हैं second part पे मशीन पुट के, और पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक वाले मशीन पुट को किया था. आज भी जो है कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे. आपके क्वेश्चंस जो है हमारे मशीन पुट के हैं, उसमें दो तरीके से मेंस मेन या चल रहा है जैसा आपको पता होगा, तो मेन्स से रिलेटेड ही टॉपिक्स का डिस्कशन होगा अभी इस वाले पूरे सेशन के दौरान, ठीक है ना. तो तैयार रहिएगा, मेन्स का टाइम है 6 PM, जल्दी ये लाइव भी हो जाएगा. ये मेरा रेफरल कोड है BT10, जिससे आपको 10% का ऑफ मिलेगा. आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं. मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, देखो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना इसलिए जरूरी हो जाता है जब आप आगे मेंस के लिए जाओगे. अभी चलो प्री है, प्री की प्रिपरेशन आप इधर उधर से कर ले जाओगे, सब कुछ ठीक है. जब मेंस की बात आती है तो मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगा, राइट. तो उसके लिए आपको प्लस चाहिए होगा, ये बात ध्यान रखिएगा. दूसरा, प्लस कब जरूरत पड़ेगी, CET जो है अगले साल आ जाएगा, और CET आप सभी लोगों को पता है कि जो है वो फोर्थ क्वार्टर में आ जाएगा, ये 2021 के, ठीक है. अब उस समय में आपको, क्योंकि बिल्कुल नया होगा, पहली बार ऐसा आ रहा होगा, तो आपको चाहिए कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां से आपको प्रॉपर जो है गाइडेंस उसके लिए मिल सके, तो वो यहीं से मिल पाएगा, ठीक है ना, प्लस से ही मिल पाएगा. तो प्लस को ज्वाइन कर लीजिएगा, और प्लस कैसे ज्वाइन करना है आप सभी लोगों को बता दे रहे हैं. अनअकैडमी ऐप पे जाएंगे, ठीक है. सबसे पहले बसंत त्रिपाठी नाम से मैं यहाँ पे मिल जाऊंगा, इस जगह पे फॉलो करना मत भूलिएगा, तो फ्री है. यहाँ पे फॉलो कर लेंगे, मेरी फ्री क्लासेस भी आपको विजिबल हो जाएंगे, वो आप देख सकते हैं बैंकिंग सेगमेंट में बसंत त्रिपाठी नाम से. दूसरा, कैसे करना है, वहां पे जाएंगे. जब आप बैंक के कोर्स पे जाएंगे तो वहां पे आएगा नीचे की सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आप सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का. मेरे हिसाब से 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन सबसे सही है, लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो 12 मंथ का एटलीस्ट आपको लेना ही चाहिए. दो फायदे हैं यहाँ पे. एक तो आप लोग जब 3 मंथ का लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है मंथली, और फिर 6 मंथ का उससे थोड़ा सा डाउन पड़ता है पर मंथ का कॉस्ट, अगर आप एड उसमें निकालेंगे 12 मंथ के केस में और डाउन पड़ता है, और 24 मंथ्स की जब बात आती है तो सबसे कम पड़ता है. मतलब सबसे ज्यादा जो सस्ता पड़ेगा वो आपको 24 मंथ्स का ही पड़ेगा, ठीक है. तो 24 मंथ्स का लेंगे. और दूसरा, जो भी प्राइस आपको दिया गया होगा उसमें 10% का ऑफ मिलेगा. आपको क्या करना है, BT10 इस्तेमाल करना है, राइट. BT10 लगाएंगे और 10% का यहां पे आपको ऑफ मिल जाए, ओके. तो ये काम आप सभी लोग कर लीजिएगा. फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे सेशन में क्या है आगे. लेकिन उसके पहले हमारा यूट्यूब का जो शेड्यूल है, दैट इज 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम मंडे टू फ्राइडे, 9 PM प्रीमियर जस्ट फसल पे होता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक, ये बात ध्यान रखिएगा, दो जगह मैंने आपको बता दी है. फिर अनअकैडमी ऐप पे 8 PM लाइव IBPS क्लर्क बूस्टर, ये अनअकैडमी ऐप पे 8 PM लाइव IBPS क्लर्क बूस्टर, ठीक है. ये आज भी 8 PM पे आपको मिलेगा. 5 PM पे लाइव मेंस मेनिया मंडे टू फ्राइडे. अब इसका टाइम अभी टेंटेटिव है, अभी मैं इसको प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ये स्टार्ट हो जाएगा. कुछ मेरे मस्ट वॉच सेशंस है, जैसे इनइक्वालिटी का है, बहुत सारे और SSC और सभी लोगों के लिए भी वहां पे सेशंस पड़े हुए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं, राइट है. फिर आते हैं हम लोग मशीन पुट के एक अलग टाइप पे, जिसपे आपको पता है मैंने लास्ट टाइम में बताया था फिक्स मेथड वाला, ठीक है ना. फिक्स करके एलिमेंट को सॉल्व करना, वो कैसे करना होता है. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे अब आपको पिछली वाली क्लास में अगर नहीं देखा तो उसको देख जरूर लीजिएगा. मैंने बताया था मशीन पुट में जो सॉल्व एग्जाम्पल होता है उससे कुछ चीजें निकालनी होती हैं. यहाँ पे 3 चीजें हम निकालते हैं. पहला आपका आता है पैटर्न ऑफ एलिमेंट अरेंजमेंट. पैटर्न क्या है एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, ठीक है. अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखें, जैसे step 7 इज द लास्ट स्टेप, तो इस स्टेप में आपको बेसिकली जो पैटर्न है वो दिख जाएगा. पहले नंबर्स का पैटर्न देखते हैं, नंबर्स किस हिसाब से है देखें, तो 13, 28, 32, 48, 56, 76 और 99, ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर्स कैसे लिखे हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करे गए हैं, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है तो यहाँ पे अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है. अब अगर इधर बात करें तो इधर देखिए Alt, फिर B से स्टार्ट होने वाला, फिर H से स्टार्ट होने वाला, फिर J से, फिर R से, फिर T से, फिर Y से. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एलिमेंट्स जो देखे वर्ड्स को उनके पहले अल्फाबेट के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में सेट करा गया है, ऐसा ही है, ठीक है. तो ये पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है पहला वाला. दूसरे पार्ट पे आते हैं,
सेकेंड पार्ट पे आपको ऑब्जर्व करना होता है मैथड ऑफ अरेंजमेंट, मतलब इसको अरेंज करने का मैथड क्या है। तो मैथड में बात करें तो यहां पे देखो, जैसे पिछले वाले में बताया था एक एलिमेंट, जैसे यहां पे इनपुट से पहले स्टेप पे आते देखो कौन सा एलिमेंट लाके रखा, यहां पे आगे टॉल था, यहां कहीं से 13 को उठाया इसने और लाके आगे की तरफ, ये देखिए, और इस तरफ जो है अब यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट भी देखना होता है हमारा, तीसरा जो जो इंस्ट्रक्शन निकालना होता है, मैंने बताया था ये दो तो हो गए, एक पैटर्न एक मेथड, और तीसरा है नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इन सिंगल स्टेप, ठीक है, उनका अरेंजमेंट कितने नंबर है। तो एक एलिमेंट 13 हो गया, और दूसरा देखे यहां पे ऑल्ट को उठाया और इसको ले जाके पीछे की तरफ रख दिया, ये देखिए ऑल्ट यहां पे आया, 13 इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें, अब क्या 13 की पोजीशन फिक्स कर दी इन्होंने कि पहले स्थान पे रहेगा, या ऑल्ट को फिक्स कर दिया कि यह यहां पे जहां पे सेट किया वहीं पे रहेगा, ना, अब क्या कर रहा है, 13 से बड़ा नंबर उठाया 28, इसको उठाया और इसको लाके बिल्कुल आगे 13 के आगे रख दिया 28, और फिर 13 हो गया। और राइट हैंड साइड में देखो ऑल्ट के आगे किसको लेके आ गया, बी ए आर एन को उठाया और उसको लेके आके ऑल्ट के आगे, अब देखो यहां पे ऑल्ट किधर हो गया, अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसी को इसीलिए कहते हैं शिफ्टेड पैटर्न, देखो 13 यहां था, यहां से अंदर शिफ्ट हुआ, ऑल्ट कहां था, यहां से अंदर की तरफ शिफ्ट हुआ, और फिर बार बार देखेंगे ऑल्ट जो है वो अंदर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, और ऐसे ही अब देखो यहां पे अंदर की तरफ ये आ, फिर यहां पे 13 यहां पे देखो अंदर की तरफ शिफ्ट होता हुआ आपको बार बार दिखाई देगा, राइट। तो इसीलिए इसको कहते हैं शिफ्टेड मेथड ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट्स को शिफ्ट करता है, हर बार नया एलिमेंट लेके आएगा आगे की तरफ रखेगा, ठीक है। तो अब यहां पे अगले में क्या रखा, 28 को लाके रखा, फिर 32 को आगे रख दिया, फिर उसके आगे 48 रख दिया, उसके आगे 56 लाया, उसके आगे 76 लाया, और फिर फाइनली 99 को इधर आगे लेके आया। यहां पे देखिए सबसे पहले ऑल्ट लेके आया, ऑल्ट के आगे बी ए आर एन बान लेके आया, फिर उसके आगे हाई लेके आया, फिर उसके आगे जार लेके आया, फिर उसके आगे राइज लेके आया, उसके आगे टॉल लेके आया, और उसके आगे वाइज लेके आया, पूरा अरेंजमेंट उसका कंप्लीट। तो अब इसको करने का मेथड मतलब तरीका क्या हो सकता है, मैंने लास्ट टाइम में बताया था पिछला वाला जो फिक्स पैटर्न था, फिक्स वाला मेथड था जिसमें एलिमेंट को 13 को आगे रख दिया तो हर बार 13 उसी जगह पे दिखता, तो उसको कहते फिक्स, ठीक है। तो ये फिक्स वाला तो है नहीं, फिक्स वाले में मैंने बताया था जिसको अरेंज करना हो उसको सर्कल करिए, उसके आगे चेक करिए कि वो बाय डिफॉल्ट अरेंज जाएगा, कैसे अरेंज होगा। यहां पे क्या करना है, वैसा कुछ नहीं करना, यहां पे जिसको आप सर्कल करिए, क्योंकि यहां पे कोई एलिमेंट बाय डिफॉल्ट अरेंज नहीं होता, बात ध्यान रखिएगा मेरी बात। हाँ, कौन सा एलिमेंट बाय डिफॉल्ट अरेंज होता है मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो यहां 13 पहले ही आगे ही पहले से रखा होता, पहली बार ही लेकिन होगा, उसके बाद कभी भी बाय डिफॉल्ट इस वाले मेथड में अरेंजमेंट नहीं होता। तो इसको करने का तरीका है, इस पे सर्कल करो L1, इस पे तो कुछ सोचना नहीं है, बहुत आसान है। और इधर दूसरा ऑल्ट को अरेंज करना है तो ये देखो R1, ठीक है। फिर उसके बाद अगला नंबर है 28, इसको इस पे सर्कल करो, उस पे लिखो L2, फिर दूसरा B से स्टार्ट होने वाला इस पे क्लिक रखो और उस पे लिखो R2, इसमें तो कुछ नहीं सोचना, ठीक है। ऐसे करके अरेंजमेंट्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर अब अगला देखो, अगला 13 के बाद 28, 28 के बाद कौन सा नंबर है 32, इस पे लिखोगे L3, ठीक है। और राइट हैंड साइड में कौन सा है? देखो यहां पे ऑल्ट बान, ठीक है, ये हो गया थर्ड AB के बाद तीसरा जो जाएगा वो आपका H जाएगा, ये हो जाएगा R3, L3 तो हमने बना ही लिया था। फिर L4 देखेंगे आप कौन सा होगा, 48, ये हो जाएगा L। R4 कौन सा जाएगा, R4 H के बाद J, ये R4 मार्क करेंगे, ठीक है। आप उसके बाद अब देखो, मान लो चौथे स्टेप का अरेंजमेंट आपको बनाना है तो कैसे बनेगा, आपको पता है जो L1 अरेंज हो रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है और जो R1 अरेंज हो रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अंदर से शुरू करें, L1, L2, L3, L4, और इधर क्या जाएगा R1, अंदर से बाहर चलते हैं R2, R3 और R4, और बीच में कौन आएगा चौथे स्टेप तक जो अनअरेंज रहेगा उसको बीच में उसी के सीक्वेंस में, जैसे यहां पे टॉल राइज 99 76 वाइज, इसको बीच में रखते। अब चौथे स्टेप का आप चाहे देख लो, यहां पे देखो हमने कहा था L4 किस में पड़ा हुआ है, देखो यहां पे
48 पे, यहां पे 48 है, ये L4 ही तो है। 32 पे क्या पड़ा हुआ देखो, L3 पड़ा हुआ, ठीक है। 28 पे क्या पड़ा हुआ, L2 पड़ा हुआ। R13 पे क्या पड़ा हुआ, L1 पड़ा हुआ। इधर आ जाओ, उधर देख लो, ये है R1, ये है R2, देखो उस पे नंबर यही पड़ा होगा, ये हो जाएगा R3 और ये हो जाएगा R4। बीच में कौन से एलिमेंट्स हुए जो अनअरेंज, अभी तक जो अरेंज नहीं हुए, जैसे कौन सा, टॉल, राइज, 99, 76 और वाइज, देखो यही एलिमेंट बीच में रखे गए। बताओ समझ में आया ना? तो ये शिफ्टेड पैटर्न है और इसको कैसे करना होता है बता दिया मैंने। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने यहां पे, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मार्क करेंगे, मैं आपको एक मिनट का टाइम देता हूं, ठीक है? चलो एक मिनट नहीं, 30 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड का टाइम आपके पास है, 30 सेकंड के भीतर इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कर दीजिए। वेरी गुड, चलो भाई कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, व्हिच स्टेप नंबर इज फॉलोइंग आउटपुट, चलो देखते हैं। कह रहा है ये जो एक आउटपुट दे रखा है इन्होंने, इनपुट ये है, इसका इन्होंने एक आउटपुट दे रखा है, बोला बताओ ये कौन से स्टेप का आउटपुट है। अब मैं जरा आपसे पूछता हूं, इसमें बताओ सबसे आसान तरीका तो विद इन सेकेंड आंसर करने वाला है। देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 14, यही होगा L1, तो यहां पे L1 देख लो 14 रखा हो, और L1 के बाद तीन नंबर्स रखे गए, देखो क्या ये सीक्वेंस में है, 14 के बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 27, और उससे भी बड़ा नंबर कौन सा है, 32, तो 14, 27 और 32 ये सीक्वेंस में रखे, करेक्ट। अब इसका मतलब ये लग रहा है कि ये होगा L1, ये होगा L2, ये होगा L3, तो राइट साइड में भी तो ऐसे तीन एलिमेंट अरेंज होने चाहिए कम से कम। आप देख लो कौन कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, एफ से स्टार्ट होने ना, बी से स्टार्ट होने वाला है सबसे छोटा, बताओ सबसे छोटा कौन सा है, बी से स्टार्ट होने वाला है, बेस्ट, तो यहां से शुरू करना चाहिए था, करेक्ट। अब आखिरी से, अब इससे तीसरे नंबर पे देखो, फीट से स्टार्ट किया, तो इसका मतलब यहीं से स्टार्ट होना चाहिए था और यहां पर बेस्ट सबसे पहले रखा होना चाहिए था, नहीं रखा गया, इसका मतलब ऐसा तो कोई स्टेप ही नहीं बन सकता, क्योंकि L1, L2, L3 अगर इधर अरेंज है तो इधर क्या होना चाहिए, R1, R2, R3 होना चाहिए, ठीक है। और ये बेस्ट जो है R1 ये है, जबकि यहां पे R1 पे किसको रखा गया, फीट को रखा गया, तो उसका मतलब देयर इज नो सच स्टेप, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5। बाधाई समझ में कि नहीं, बाधाई समझ में, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने, इस वाले क्वेश्चन के लिए अगेन आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड के भीतर आपको उसका आंसर करना है, ओके चलिए। कैन ए विच वर्ड नंबर वुड बी फिफ्थ पोजिशन फ्रॉम राइट इन स्टेप नंबर 5, पांचवें स्टेप में राइट साइड, ठीक है, कौन सा एलिमेंट पूछ रहा है, पांचवा एलिमेंट, ठीक है, राइट से फिफ्थ पूछ रहा है। अब बहुत आसान तरीका है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, पांचवा स्टेप है और राइट से पांचवा स्टेप एलिमेंट पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका राइट साइड से R1, R2, R3, R4 और R5 ऐसे लिखा जाएगा, बताओ, मैं तो देख भी नहीं रहा हूं कौन सा है ये, मैं क्वेश्चन में कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं ओरली आपको बता रहा हूं, ठीक है, R1, R2, R3, R4, R5 आर फाइव ऐसा जाएगा, राइट साइड से फिफ्थ एलिमेंट कौन सा होगा बताओ जरा, R1 जिस पे पड़ेगा, पांचवा स्टेप राइट से पांचवा एलिमेंट, तो जिस पे R1 पड़ेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब R1 किस पे पड़ा हुआ ये आपको देखना है, R1 मतलब ये हुआ सबसे पहले अरेंज होने वाला वर्ड, और वो वर्ड कौन सा होगा, जो सबसे छोटा अल्फाबेट से शुरू होने वाला वर्ड होगा, और वो वर्ड है कौन सा, बेस्ट, तो ये होना चाहिए R1, तो हमने नहीं बनाया पूरा का पूरा, हमें सिर्फ ये पता चल गया राइट साइड से पांचवें स्टेप में पांचवा एलिमेंट जो है वो R1 बनेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि फिफ्थ स्टेप है तो R1, R2, R3, R4 और R5 ये सीक्वेंस में राइट साइड में लग चुके होंगे, और राइट से पांचवें नंबर पे आने पर आपको R1 मिलेगा,
आर वन किस पे पड़ा हुआ, बेस्ट पे पड़ा हुआ, राइट आंसर क्या हो जाता, फोर्थ ऑप्शन आपका बेस्ट हो जाता। करेक्ट, इतना समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहे हाउ मेनी एलिमेंट्स वर्ड्स और नंबर्स आर देयर बिटवीन पीट एंड 32 एज दे अपीयर इन लास्ट स्टेप ऑफ इनपुट, आखिरी स्टेप। ठीक है, अब मैं आपको मैं बताऊं, आप 30 सेकेंड ले लो उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर मैं आपके बुद्धि में एक चीज डालूंगा जिससे आपको लगेगा कि सर ऐसा नहीं तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, ओरली बन जाता था, है ना, यही आप कहोगे अभी, देखना। ठीक है, चलो कर लीजिए। आप बताइए, एक तो आपको कह रहे 32 और फीट के बीच में, तो 32 जरा ऑब्जर्व करिए, 32 कितने नंबर पे आएगा, इस पे कौन सा नंबर पड़ेगा, सबसे छोटा नंबर L1 कौन सा है, 14, L2 कौन सा है, 27, और L3 कौन सा है, 32, इस पे पड़ेगा L3। अब सारी व्यवस्था अगर हो गई तो आपकी व्यवस्था में कुछ ऐसा दिखेगा, L1, L2, L3, अब यही L3 है आपका, कौन सा, 32, मैं लिख रहा हूं आपको, आप बिना लिखे कर सकते हो। फिर ये L4, L5, L6, है ना, कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर है, तो L7 तक जाएगा, ऐसे ही तो बनेगा अरेंजमेंट, बताओ। ठीक है, राइट साइड से देखो क्या बनेगा, अभी राइट साइड से फीट को बोला गया, फीट का कितना नंबर आएगा ये देख लो, बेस्ट सबसे वन नंबर वन पे आएगा, R1 हो जाएगा, बी के बाद कौन सा मिलेगा, फीट ही मिलेगा कंफर्म है, इसी को अरेंज करेगा सेकंड नंबर पे, तो ये हो जाएगा R2, बोलो, तो ये आएगा R1 और इस तरीके से हो जाएगा R2, ये आपका है फीट। अब इसके आगे R3, R4, R5, R6, R7 ये सब सेट होंगे इधर, लेकिन हमें उसका मतलब नहीं है, हमें मालूम है L3 और R2 के बीच में कितने एलिमेंट मिलेंगे, यही मिलेंगे, इधर से R1 मिलेगा, L1 मिलेगा और L2 मिलेगा, तीन एलिमेंट मिलेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। इसको बिना बनाए आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया, ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने देखो मैंने कहीं अभी तक आपने देखा होगा मैंने पूरे इनपुट में कहीं कुछ नहीं बनाया, और आप इसको अगर बना के भी देखें पेपर में पूरा स्टेप्स फॉलो करके और फिर सॉल्व करके देखें, आपको दिखेगा कि यही आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्या कह रहे हैं, चरण 5 में निम्नलिखित में से कौन सा वाई की स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है, y की स्थिति कौन सा, कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं, बताओ जरा, फिफ्थ स्टेप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप में आपका कौन सा जाएगा, L1, L2, ठीक है, सॉरी L2 ये है, L3 है ये, L3, और फिर उसके बाद आएगा आपका L4, और ये हो जाएगा L5, ठीक है, ऐसे बस ओरल कर लीजिए। ठीक है, राइट साइड से कौन कौन से जाएंगे, ये होगा R1, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा R2, ठीक, फिर उसके बाद I से स्टार्ट होने वाला आएगा R3, फिर उसके बाद कौन सा आएगा बताओ जरा, N से स्टार्ट होने वाला ये हो जाएगा R4, फिर S से स्टार्ट होने वाला ये हो जाएगा R5, ऐसा ही तो है। अभी देखो Y इसमें छूट गया, करेक्ट, Y को हमने नहीं गिना, तो अब आपका सेटिंग कैसा बनेगा, L1, L2, L3, L4 और L5, ठीक है, ये बनेगा R1, R2, R3, R4 और R5, ऐसा ही बनेगा, बीच में कौन से एलिमेंट्स होंगे, यहां पे अनअरेंज एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब y की पोजीशन देखो अनअरेंज में कितनी है, सेकंड है। अब मैं होता आपकी जगह पे तो मैं ऐसे करता, L5 मैं ये निकाल लेता पहले कि y पांचवें स्टेप तक अरेंज होगा कि नहीं होगा, तो मुझे पता चल जाता सब नहीं अरेंज होगा, मुझे समझ में। अब y अगर पांचवें स्टेप तक अरेंज नहीं होगा और अनअरेंज में इसकी पोजीशन सेकंड है, तो अगर पांचवा स्टेप है तो लेफ्ट साइड में पांच एलिमेंट अरेंज हो चुके होंगे, और फिर अनअरेंज में पहला दूसरा जाने पर y मिलेगा, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, तो 7th तो आएगा फ्रॉम लेफ्ट,
बताओ, सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट, करेक्ट। और आपके ऑप्शन में एक चीज देखो, यहां पे पांचवा ऑप्शन लिखा। अभी मान लो इसका राइट भी निकालना होता ना, एक एंड से आप निकाल लेते, तो राइट भी आप, अगर आपने ऑर्डर रैंकिंग पढ़ा है तो ऑर्डर रैंकिंग इस्तेमाल करते, ओवरऑल करते, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सात है तो चौदह, चौदह एक पंद्रह कर देते, पंद्रह में से सात माइनस कर देते तो कितना आता, आठ आता। राइट साइड से कितना आता, एट आता, करेक्ट। आप करके देख लो, पांचवें स्टेप में राइट साइड से एट आए, करेक्ट है। तो ये तरीके हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, और आपको भी ये इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अब आते हैं ये क्वेश्चन जो पिछली वाले सेशन में छूट गया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को आपको फिर से ध्यान से देखना है। और अब इस वाले में मैं आपसे पूछूंगा सवाल, आपको आंसर करना रहेगा, ठीक है। ओके चलो देख लो, इस वाले क्वेश्चन में हो गया, कौन सा मेथड है, पहले तो आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है, ठीक है, फिर उसके बाद मेथड ऑफ अरेंजमेंट, और फिर उसके बाद तीसरा आता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिंगल स्टेप। एक सिंगल स्टेप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो अरेंज कर रहे हैं, ये भी देख, गॉट इट, ओके। तो यहां पे कुछ चीजें हैं, पहली मैंने क्या बताई, मैंने बताई पैट, ठीक है, फिर दूसरा मैंने क्या बताया, मैथ, और तीसरा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये तीन तरीके की चीजें मैंने आपको हम बताई जो निकाल ली है आपको, पहले वाले में चलते हैं। स्टेप फोर यहां पे लिखा हुआ, पर आप देखो अगर स्टेप फोर और इनपुट देखो तो एकदम अलग एलिमेंट दिखते, लग ही नहीं रहा है वही एलिमेंट, तो इसका मतलब यहां पे ऑब्जर्व करना है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। इनपुट से पहले स्टेप की तरफ आते हैं, यहां पे देखो इनपुट में लिखा हुआ है NJES GLFU 53 18 31 44 वाइड टेक्ट, ठीक है। और फिर पहले स्टेप में हमने देखा कि भाई कौन कौन से एलिमेंट, तो कुछ चेंज नहीं हुआ, ये दो नए एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, 106 था नहीं, अब कौन कौन सा तो है सेम, NJES ये भी सेम है, GLFU ये भी सही है, चलो ठीक है, फिर 18 ये भी कॉमन दिख रहा है, फिर 31 ये भी कॉमन दिख रहा है, 44 ये भी कॉमन, फिर उसके बाद DCT डेक ये भी, मतलब किया क्या इसका, मतलब इन दोनों एलिमेंट्स को इसने, इसके साथ कोई छेड़खानी यहां पे करी गई है, इसके साथ और इसके साथ। तो देखो 106 नंबर का कोई 53 से लेना देना है, डबल कर दो 106 आ जाएगा 53 का। वाइड में जो WIRD लिखा हुआ था, W प्लस टू करो, WXY यहां पे, IJK देखो K आ गया, फिर RST यहां पे T लिख दिया गया, फिर DEF सब में प्लस टू, नंबर्स का डबल। आप कौन सा उठा रहे हैं, आप ये देखो किसको कर रहे हैं, इसने सबसे बड़े, इन सब में देखो सबसे बड़े अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड को उठाया, W से स्टार्ट, और सब में प्लस टू करके आगे रखते हैं। और यहां पे नंबर्स में क्या किया इसने, जो भी नंबर था उसका डबल करके उसके साथ में रख दिया। और अब देखो क्या कर रहे हैं, इन दोनों एलिमेंट को पीछे खिसका दिया, ये जोड़े में आया था तो जोड़े में इसको पीछे खिसका, और आगे अब किसी नए को लेके आ गया, 44 का एक तो दिख रहा है, 44 का डबल यहां पर 88 कर दिया। और PLGU ये किसको किया गया, ये बताइए, NJES NOP ठीक है, JKL ये देखो L आ गया, EFG STU यहां पे U देखो, और कैसे उठा रहे हैं, W से के बाद जो सबसे बड़ा दिख रहा था वो कौन सा दिख रहा था, NJ दिख रहा था। अब ये मत सोचना कि Y के, Y सबसे बड़ा है, Y तो ऑलरेडी सेट करके लाया था वो बड़ा है, ठीक है, दूसरा बड़ा बड़ा जो वर्ड था वो ये था, और उसके साथ दूसरा बड़ा नंबर उठाया 44, उसको डबल करके रख दिया, ठीक है। और अब देखो उसको इन दोनों पेयर में लेके आया था, इसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया, ये यहां पे शिफ्ट हो गए, और ये दोनों और पीछे शिफ्ट हो गए, और यहां पे देखो दो नए एलिमेंट आ गए। अब ये तो दिख रहा है 31 का डबल है, ठीक है,
और ये GLFU, इसका देखो GHILMNFGHUVW, ये देखो नंबर यहां पे इसको डबल करके राइट। तो इसको किया ऐसे और फिर फाइनली एक एलिमेंट बचा है 18 और DECT 18 का डबल 36 और ये उसमें सभी में प्लस टू करके। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, आपको क्वेश्चन देख के सॉल्व करना रहेगा ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ स्टेप वन इज एडेड टू द फिफ्थ नंबर फ्रॉम राइट एंड ऑफ स्टेप थ्री। चलो सॉल्व करिए। अब इसमें कोडिंग डिकोडिंग मशीन फूड दोनों मिक्स है, ध्यान रखना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ओके, समय जो है वो समाप्त हो गया है, अब हम लोग बात करने वाले हैं इसको कैसे करना है उस पर। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ फिफ्थ नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ स्टेप वन इज एडेड टू फिफ्थ नंबर फ्रॉम राइट एंड ऑफ स्टेप थ्री, करेक्ट है। अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस को मैं आपको एक चीज बताऊंगा, सबसे बड़ा नंबर इसको उठाओ ठीक है, और फिर सबसे बड़ा जो वर्ड है वो x से स्टार्ट होने वाला है इसको सर्कल कर, आप इस पे दोनों पे लिख दो वन 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 क्योंकि पहले स्टेप में अरेंज होगा करेक्ट। दूसरा देखो, अब यहां पर कोई डिफॉल्ट अरेंज होने वाला सिस्टम नहीं, दूसरा बड़ा नंबर है 48, इस पर लिखोगे आप 2, इसका कलर चेंज कर दे, और आपको बस यही काम करना रहेगा, इस पर लिख दिया 2 ठीक है, और अगला देखो 2 कौन से पे जाएगा, वर्ड्स पे कौन से वर्ड पे 2 जाएगा, x के बाद जो बड़ा है वो है आपका o से स्टार्ट होने वाला, इस पर चला जाएगा 2 सेकेंड स्टेप। अब मैं आपसे कहूंगा भाई थर्ड स्टेप देख लो, अब आप ठीक है, आप कौन सा स्टेप देख लो, थर्ड स्टेप देख लो, थर्ड स्टेप कौन सा होगा ये बता दो। अब थर्ड स्टेप में आपका जाएगा 21 और HTQS, ये आपका तीसरा स्टेप हो जाएगा ठीक है, और बाकी एक जो बचता है, जो एक बच रहा है दैट इज 9 एंड BDGV, इस पे चला जाएगा फोर्थ स्टेप। ऐसा बना लो, और ये करने में कोई बहुत समय नहीं लगेगा, मतलब विद इन 5 सेकेंड ये काम आप कर ले जाओ ठीक है। अब कह रहे हैं व्हाट विल बी द रिजल्ट, अब देखो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको कैसे करना है, उस पे आप कह रहे व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ फिफ्थ नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड, बाएं से पांचवा, 1 2 3 4 5 यहां पर कोई आने वाला, यहां पर कोई नंबर आएगा क्योंकि आपको पता है कैसे अरेंज किया था, देखो यहां पे अरेंजमेंट देखो, वर्ड फिर नंबर, अब ये आएगा, अब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 1 1 ठीक है, फिर उसके बाद 2 2 3 3 4, एक मिनट ये देखो ये मेथड कौन सा था, वो शिफ्टेड मेथड था, तो पहले 1 1 यहां पे आएगा, फिर 2 2 यहां पे, उसके बाहर 3 3 आएगा, उसके बाहर 4 4, ये गलती आप भी मत करना भाई नहीं तो पूरा मामला चौपट हो जाएगा, 5 5 ऐसे। अब आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ऐसे ही बना के रख लीजिए, ऐसा आपका फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ फिफ्थ नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ स्टेप वन, स्टेप वन का फिफ्थ नंबर कौन सा। अब स्टेप नंबर वन में ये जाएगा और ये दोनों चले जाएंगे ठीक है, लेफ्ट साइड से फिफ्थ नंबर फ्रॉम लेफ्ट, तो पहला तो ये हो जाएगा आपका और दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा तीसरा जिसपे 2 पड़ा हुआ है, हाँ अब देखो तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, 21 आए, नहीं समझे बात, नहीं समझे फिर से समझो, देखो पहले स्टेप में आप 1 1 को अरेंज करोगे सबसे आगे, बाकी सभी तो अनअरेंज रहेंगे राइट ना, बाकी सभी अनअरेंज रहेंगे
तो इसका मतलब वन वन ये वाले नंबर जिसपे वन पड़ा हुआ है इस नंबर को छोड़ दो, बाकी उसके बाद अब यहां पे एक एलिमेंट ये हो गया वर्ड और एक नंबर, दूसरा ये, तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा कौन सा होगा बताओ जरा, एक नंबर ठीक है ना, पांचवें नंबर पे अनअरेंज में पांच तीसरा, तो अनअरेंज में तीसरा कौन सा होगा, पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा कौन सा होगा, ये नंबर ही देखो इस पे, ये देखो तीसरा ये अनअरेंज रहेगा, क्यों, क्योंकि पहले स्टेप की बात कर रहे हैं, स्टेप नंबर थ्री पड़ा हुआ ठीक है ना। तो इट मींस कि 21 उठा और फिर क्या लिखा, इज एडेड टू फिफ्थ नंबर फ्रॉम राइट एंड ऑफ स्टेप थ्री, तीसरा स्टेप, अभी वन वन फिर टू टू फिर थ्री थ्री, ठीक है, थ्री थ्री में अब आपके पास बचा कौन सा, एक फोर फोर ही लास्ट में बचेगा, फोर फोर यहां पे एज इट इज पड़ा रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये अनअरेंज की तरह पड़ा। अब इसमें कह रहा है स्टेप वन एडेड फिफ्थ नंबर फ्रॉम राइट एंड इन स्टेप नंबर थ्री, अब राइट एंड से पांचवा नंबर, तो फोर फोर एक दो तीन चार पांचवा यहां पे, जो दो दो वाला है यही नंबर निकालना है, टू टू वाला नंबर क्या होगा, अब यहां 48 लिखा हुआ है, तो चूंकि ये अरेंज हो चुका है तो 48 का डबल कितना हो जाएगा बताओ जरा, 48 का डबल 96, और इन दोनों को आप ऐड करो तो कितना बनेगा 117, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थ्री हो जाएगा 117, करेक्ट करेक्ट है, ओके। अब आप चाहें तो उसको पूरा प्रोसेस में बना लीजिए, कोई वो नहीं है, छोटा क्वेश्चन है तो प्रोसेस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हालांकि इस वाले मेथड से प्रैक्टिस करना ज्यादा उचित है, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, अगला सवाल आपके सामने, इसके लिए मैं टाइम दे रहा हूं आपको 20 सेकंड का, ठीक है ना, चलो। पहली बात देखो, टाइम अप हो गया, व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप ऑफ गिवन इनपुट, इनपुट का तीसरा स्टेप कौन सा होगा, ठीक है ना, थर्ड स्टेप आपको निकालना है, तो देखो ध्यान से सुनो, थर्ड स्टेप मतलब यहां पे चार ही स्टेप बनेंगे, उसी हिसाब से एलिमेंट है, तो कौन से दो को छोड़कर, नाइन और बीडीजीवी, नाइन और बीडीजीवी को छोड़कर बाकी सारे अरेंज हो चुके हूं, ठीक, मतलब सभी नंबर्स का डबल, और स्टार्ट कहां से होगा, सबसे छोटे नंबर, सबसे बड़े नंबर से, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर आपको अंदर की तरफ मिलना चाहिए, कौन सा है 48, इस सॉरी 73 का डबल देख लो, नंबर का डबल देख लो, नंबर का डबल हो जाएगा 146, ठीक है चलो, यहां पे भी है यहां पे भी है, अब 9 और BDGB इस वाले में दिख रहा है उस सिक्वेंस में, यहां पे तो गलत सिक्वेंस, ऑप्शन एलिमिनेट हो, इस वाले में भी उसी सीक्वेंस में, क्योंकि तीसरा स्टेप है, ये आना रेंज अनछुआ रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, तो ये ऐसे रहेगा, 146 यहां पे जा रहा है, चलो ठीक है, लेकिन यहां बैक टू बैक नंबर्स दिए हुए, ये भी नहीं हो सकता इसका, ठीक है। अब अगला नंबर 48 का डबल 96 देखो यहां पे दिया हुआ है, ठीक, अब उससे पहले उससे छोटा नंबर 48 से छोटा 21 का जो डबल है वो कितना होना चाहिए, 21 का डबल, अभी बताओ तीसरे स्टेप में, एक दो तीसरे 42 यहां पे होना चाहिए, जबकि इस वाले में यहां पे दिया हुआ, ये भी एलिमिनेट होगा। अब आप आ जाओ इस वाले ऑप्शन में, 9 BDGB 146 96 और 42, चलो सीक्वेंस में अल्टरनेट में रखे हुए जैसा हमें चाहिए, ओरली दिख रहा है, चौथा ऑप्शन बन सकता है, बस ये देखना है कि सभी के प्लस टू किए गए, एक्स सी ई के, एक्स का डबल प्लस टू कर दो, एक्स वाई जेड, यहां पे देखो जेड लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ था सी डी ई, प्लस टू कर दिया ई बन गया, ई लिखा हुआ ई एफ जी, यहां पे बन गया, चलो ठीक है, के एल एम यहां पे बन गया, ओके है। फिर अगला देखिए क्यू एन आर डब्ल्यू, ये किसका आएगा, अब अगला जो इससे इससे सबसे बड़ा ये था, इससे बड़ा कौन सा था, मतलब सेकेंड नंबर पे लार्जेस्ट, ओ एल पी यू, तो ओ का प्लस टू, ओ पी क्यू यहां पे वही दिया हुआ है, एल एम एन यही दिया हुआ है, पी क्यू आर वही दिया हुआ है,
और UVW वही दिया हुआ, तो ये सही जा रहा है। 21 का डबल 42 और फिर उसके साथ लगा हुआ ये वर्ड HTQS, H का प्लस 2 HIJ बनेगा, बिल्कुल सही है। T UV प्लस 2 करने पर V बनाएगा, QRS ये S हो जाएगा, STU यहां पे U आ जाएगा, करेक्ट है, ऐसे जाएगा, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ आते, ये रहा सवाल आपके सामने, टाइम में दे रहा हूं आपको 20 सेकंड। Which of the following word number will be fourth to the left of sixth from left end in step number 2? दूसरे step, कौन से step की बात कर रहे हैं? Second step की बात। Which of the following word number will be fourth to the left of sixth from left? तो बाएं से छठे के बाएं चौथा, इसका मतलब बाएं से कौन सा हुआ? भाई बाएं से छठे sixth के बाएं, उसका बाएं इधर जाए, चौथा, तो उसका मतलब छह स्थान आगे जाके चार स्थान पीछे आ जाओ, तो बाएं से कौन सा बना अल्टीमेटली सेकंड। सीधी सी बात यह है कि स्टेप टू में ये सेकंड एलिमेंट पूछ रहा है, करेक्ट। तो स्टेप वन में कौन से दो एलिमेंट अरेंज किए जाएंगे, ये आपको पता है, 73 हो जाएगा और ये होता है, करेक्ट। अब स्टेप टू में कौन से दो एलिमेंट, अब ये तो अरेंज होके भाई 1-1 इधर चला जाएगा और यहां पर 2-2 लिखा जाएगा, 2-2 में पहले वर्ड आएगा, दूसरा नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा यही देख लो, वही आपका आंसर होगा। तो नंबर देखें, सेकंड नंबर आपके पास है 48, 73 के बाद तो अगला नंबर उठाएंगे आप 48 को, क्योंकि सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा उठा रहा है, तो 48 का डबल करेगा वो कितना हो जाएगा, 96, करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, 96 वाले क्वेश्चन की, करेक्ट। चलो अगले वाले सवाल पे आते, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, टाइम में दे रहा हूं 20 सेकंड का, जल्दी सवाल। अब देखो आगे जो सेशंस करेंगे उसमें न्यू पैटर्न के जो मशीन पुट्स है उसको लेकर, ठीक है, ध्यान दें। क्या कह रहे, व्हाट विल बी द ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस ऑफ सिक्स्थ नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ स्टेप वन। पहले स्टेप में कौन सा दो जाएगा, ये एक अरेंज जाएगा, ये होता है। चलो व्हाट विल बी द ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस ऑफ सिक्स नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड इन स्टेप नंबर 1, ठीक है, पहले स्टेप में। तो अभी तो आपको पता है ये 1-1 मतलब दो एलिमेंट तो यही काउंट हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अनअरेंज एलिमेंट मिल जाएंगे, पहले स्टेप की बात है, तो ये आपको मिलेगा तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट और छठा एलिमेंट। किसकी बात कर रहे हैं, सिक्स नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, कौन सा है, 73। व्हाट विल बी द ट्वाइस ऑफ डिफरेंस ऑफ सिक्स नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड इन स्टेप नंबर 1 एंड फिफ्थ नंबर फ्रॉम राइट एंड ऑफ स्टेप नंबर 4 चौथे स्टेप में। तो चौथा स्टेप कैसे बनेगा ये देखो, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 और यहां पे अनअरेंज वाले दो एलिमेंट, ठीक है, ये मिलेंगे ऐसा, ठीक है, इन स्टेप नंबर 4। चार ही स्टेप तो है यार यहां पे, चौथे स्टेप में आप क्या कह रहे हैं, फिफ्थ नंबर फ्रॉम राइट इन स्टेप नंबर, तो राइट साइड से फिफ्थ नंबर 1-2-3। अब देखो 1-2-3-4-5 पांचवा नंबर कौन सा, 3, जिस जो थर्ड वाले में अरेंज हुआ वही नंबर की बात कर रहा है। अभी देखो कौन सा, पांचवा नंबर कहने का मतलब फिफ्थ एलिमेंट नंबर आएगा ऐसा, क्योंकि यहां पे पांच नंबर तो मिलेंगे ही नहीं, चार ही नंबर है पूरे सेटिंग में, है ना, तो इसका मतलब ये यहां पे थर्ड नंबर वाले नंबर की बात कर। अभी देखो यहां पे क्या स्टेटस है इस जगह पे, एक मिनट होल्ड करना भाई, चार्जर फिट कर दूं नहीं तो, हां जी चलो हो गया। तो अभी क्या कह रहे हैं,
तो इसका मतलब तीसरा वाला नंबर, अभी नंबर वो कौन सा है आपको, अब आपको देखना पड़ेगा तीसरे नंबर पे कौन सा एलिमेंट अरेंज, कौन सा नंबर अरेंज हो। तो पहले तो 73 अरेंज होगा, फिर 48 अरेंज होगा, तीसरे नंबर पे 21 अरेंज होगा। तो 73 और 21 का डिफरेंस, ठीक है। अब पहले स्टेप में तो 73 ऐसे रहेगा, लेकिन यहां पे 21 बदल के कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये गलती मत कर देना, क्योंकि यहां तो ये अरेंज हो चुका है, चौथे स्टेप की बात कर रहा है, 42 हो जाएगा। अभी इसका डिफरेंस निकालिए, 3-2 करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 7-4 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये बनेगा 31। किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, नन ऑफ दीस विल बी द राइट आंसर। बात आई समझ में कि नहीं, क्लियर है। अभी पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, इसके लिए मैं टाइम दे रहा हूं आपको 20 सेकेंड। सारे क्वेश्चन बढ़िया थे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखे अभी हम लोगों ने किए, इसमें से हर एक क्वेश्चन जो है वो अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन था, ठीक है ना, और अलग तरीके से पूछा हुआ। अगर आपके मेंस एग्जाम में पुराने टाइप की जो मशीन पुट जिसको हम लोग कर रहे हैं, तो अगर वो आती है तो उसमें इस तरीके का लेवल बन सकता है। इनफैक्ट ये वाला जो देखा है इसमें तो कोडिंग रिकोडिंग भी इन्वॉल्व थी, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाला समझ में आया होगा आपको। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद ही करना, और इसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर टाइप करके बताइएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक जो है वो सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, भूलिएगा मत, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में जाते जाते मैं फिर से बोल रहा हूँ, BT10 मेरा रेफरल कोड है जिससे आपको 10% का ऑफ मिलता है, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है। आपको पता है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है। क्यों जरूरी है पहले ये जान लो, क्योंकि आपको पता है मेंस सब क्लियर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जब प्रीलिम्स की बात करें, जो CET नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए आपको स्पेशल गाइडेंस चाहिए होगी, वो आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। फिर आप यहीं पे देखो CET, सब लोग परेशान हो रहे हो, तो CET का मेंस, CET के बाद जब आप जैसे बैंक के लिए जा रहे होगे तो बैंक के लिए मेंस तो आपको करना ही पड़ेगा, वो आपको यहाँ मिलेगा। SSC के लिए जा रहे हैं तो आपको SSC का मेंस मिलेगा, अब आप SSC के लिए सब्सक्रिप्शन भी ले लीजिए, ठीक है। फिर रेलवे के लिए अगर आप जा रहे हैं तो रेलवे के लिए ले लीजिए, ठीक है। तो बैंक के लिए अगर आप जा रहे हैं तो निश्चित तौर से CET भी आएगा, तो आपको बैंक के लिए भी जरूरत पड़ेगी, तो CET बैंक जो है वो आपका इंक्लूड होगा, इसीलिए अभी से ले लीजिए, और नेक्स्ट ईयर तक आते आते आप लोगों की अच्छी खासी तैयारी भी हो चुकी होगी, ठीक है ना, नए मॉड्यूल के हिसाब से, नए पैटर्न के हिसाब से। इस जगह पे मैं बसंत त्रिपाठी नाम से मिलूंगा, अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रात में 8 बजे, ठीक है, क्लास चलती है हमारी, और वो चलता है जो है वो IBPS बूस्टर, ठीक है, बूस्टर क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।